हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एमसीबी के बारे में और एमसीसीबी के बारे में और एमपीसीबी के बारे में। दोस्तों, आपको इन तीनों का फुल फॉर्म भी बताऊंगा आपको स्टार्टिंग में, और आपको एमसीबी के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और यह कहाँ पे लगाया जाता है और ये क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। उसी तरीके से आपको एमसीसीबी के बारे में भी फुल फॉर्म बताऊंगा और वो कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसी तरीके से दोस्तों, आपको एमपीसीबी के बारे में भी बताऊँगा कि ये क्यों लगाया जाता है और इसको कहाँ लगाया जाता है और इसको क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक मेरे ही चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि दोस्तों, आप ये जो चैनल देख रहे हैं इस पर टोटल आपको इलेक्ट्रिकल के संबंधित ही आपको इस पर वीडियो मिलता है। जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल टूल्स आते हैं उसको रिपेयर करके अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो मेरा वीडियो देख के आसानी से आप उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको वीडियो में एक एक करके बताता हूँ तीनों के बारे में कि तीनों में अंतर क्या है, एमसीबी और एमसीसीबी और एमपीसीबी में तीनों में अंतर क्या है और ये कैसे काम करता है, तो आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अपना आता है एमसीबी के बारे में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका जो फुल फॉर्म है एमसीबी का वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। दोस्तों, ये आपका जो एमसीबी है वो तीन तरीके से काम करता है। एक तो दोस्तों, अपना ओवरलोड प्रोटेक्शन पर काम करता है, और दूसरा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट पर काम करता है, और तीसरा दोस्तों, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन पे काम करता है। तो आपको तीनों के बारे में एक एक बताऊंगा कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है इनमें। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि यह लगाया कहाँ जाता है एमसीबी। तो दोस्तों, जो एमसीबी होता है वो लो वोल्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल वोल्ट के लिए, जैसे कि घरों वगैरह में ज़्यादातर लगाया जाता है एलसीबी के, अरे एमसीबी, अपना जो एमसीबी होता है वो नॉर्मल वोल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए, अब आपको तीनों के बारे में बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है ये कैसे काम करता है एमसीबी। तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई मोटर लगाए हैं, अगर आपके घर में एमसीबी नहीं लगा है तो वहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, कि जो मोटर लगा है डायरेक्ट जो आप सप्लाई दिए हैं बोर्ड के अंदर से, अगर आप एमसीबी नहीं लगाए हैं तो वहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, कि मान लीजिए कोई फॉल्ट आया मोटर के अंदर, आपके मोटर के अंदर फॉल्ट आया, मान लीजिए मोटर आपका जाम चल रहा है, और जब जाम है मोटर तो मान लीजिए कि जो उसका 10 एम्पियर लेने का जो लेता है वो, तो उस टाइम क्या करेगा कि अगर जाम है या कोई फॉल्ट है तो थोड़ा वोल्ट को ज़्यादा लेगा, जैसे कि 10 एम्पियर ले रहा है तो वो थोड़ा 15 एम्पियर लेगा, 20 एम्पियर लेगा दोस्तों। तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों, कि अगर इतना वो वोल्ट लेगा जहाँ 10 एम्पियर लेने का वहाँ पे 20 एम्पियर लेगा, तो आपका जो मोटर है दोस्तों उसके अंदर का जो कोयल है, या मान लीजिए आपके घर में पंखा है, सेम उसी तरीके से प्रॉब्लम है, तो क्या होगा दोस्तों कि पंखा हो या मोटर हो उसके अंदर का जो वाइंडिंग होता है वो जल जाएगा। तो आपको दोस्तों पता नहीं चलता है कि ये क्यों जला है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसीलिए वो जलता है क्योंकि आपके घर में एमसीबी नहीं लगा है। अगर एमसीबी वहीं पे लोग दोस्तों लगा होता आपके घर में एमसीबी, तो वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए आपका जो पंखा है वो 10 एम्पियर ले रहा है, उसका जो कैपेसिटी है वो 10 एम्पियर लेता ही है, अगर उससे 2 एम्पियर 5 एम्पियर भी ज़्यादा लेगा दोस्तों, तो वो क्या करेगा आपका एमसीबी कि तुरंत उसको ट्रिप कर देगा, उसका जो पावर सप्लाई है वो कटिंग कर देगा, वहाँ पर पावर नहीं जाने देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पंखा हो या कोई भी मशीन हो, मोटर हो या कूलर हो, कोई भी मशीन हो, अगर वहाँ पे आपका 10 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है तो तुरंत आपका जो एमसीबी है वो ट्रिप कर देगा और उसको जलने से बचाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये जो एमसीबी है वो काम करता है। उसके बाद से शॉर्ट सर्किट जो होता है दोस्तों, जो दूसरा है शॉर्ट सर्किट, तो ये कैसे काम करता है, मान लीजिए आपके घर में एमसीबी नहीं लगा है तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपके घर में कभी कभी नोटिस किए होंगे कि कभी सप्लाई दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पार्क आता है या आग लगता है, या कभी कभी देखे होंगे कि किसी के घरों में आग लग जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एमसीबी नहीं लगा होता है। अगर वहीं पे एमसीबी लगा होता तो वो क्या करेगा कि कहीं भी आपका जो फेस और न्यूट्रल गलती से भी शॉर्ट करता है, शॉर्ट करेगा,
तो वो क्या करेगा दोस्तों कि आपका जो MCB है वो ट्रिप कर देगा। अगर वहीं पे आपके घर में MCB नहीं लगा है, अगर शॉर्ट करता है तो आपके घर में आग लगने की चांस होता है और आपकी जो भी मशीनें होती है, जो भी होती है इक्विपमेंट, वो जल जाता है, या केबल वगैरह भी आपका घर का जो वायरिंग होता है वो जल जाता है। अगर वहीं पे अगर आपके घर में MCB लगा है तो वो जलेगा नहीं, उसको जलने से बचा लेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जो है शॉर्ट सर्किट पे ये काम करता है। अब दोस्तों बच गया अपना निचले तीसरे नंबर का, इसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। तो आपको दोनों के दो जो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला बताया उसी का निचोड़ है ये। तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर में MCB नहीं है, कोई भी सामान चला रहे हैं, अगर पावर ज़्यादा ले लिया वो तो क्या होगा कि जल जाएगा, ठीक है। अगर उसी के जगह पे MCB लगाए हैं और कितना भी पावर लेगा तो उसको लेने नहीं देगा, वहीं पर ट्रिप कर देगा। जितना उसका मैक्सिमम वोल्ट है बस उतना ही देगा, उससे थोड़ा भी ज़्यादा लेगा तो उसका पावर सप्लाई बंद कर देगा। तो इसका यही काम है कि आपका जो भी मशीनें होती है उसको जलने से बचाता है दोस्तों। तो इसीलिए इसको इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के तौर पर ये भी काम करता है। तो चलिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि MCB कैसे काम करता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यह देखिए दोस्तों, यह अपना MCCB है। तो इसका जो फुल फॉर्म है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों यह जो आपका MCCB है ये आपको इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हैवी पावर वगैरह का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है। आप इसको घर में नहीं यूज कर सकते, जो MCCB है इसको आप घर में यूज नहीं कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है क्योंकि ज़्यादा पावर सप्लाई का लेन देन होता है उधर, बड़ा बड़ा मोटर लगा होता है, बड़ा बड़ा मशीनें होती है, तो वहाँ पे उसका जो वोल्ट होता है उसको कवर करने के लिए दोस्तों MCCB को लगाया जाता है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको कहाँ पे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों आपको तीन तरीके से काम करता है। जैसे कि आपने MCB के बारे में बताया मैं कि MCB कैसे काम करता है, वो भी तीन तरीके से काम करता है। उसी तरीके से आपका MCC भी तीन तरीके से काम करता है। पहला आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में, और दूसरा शॉर्ट सर्किट के बारे में, और तीसरा इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए जो MCB है इसी का छोटा भाई है, और जो आपका ये MCCB है वो उसका बड़ा भाई है, क्योंकि वो अपना घरों में यूज किया जाता है MCB, और ये जो है आपको इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है उसका जो कैपेसिटी होता है लोड का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे दोस्तों इसको MCCB को लगाया जाता है। इसमें और कोई नहीं है, दोनों एक ही है, MCB भी एक ही है और MCCB भी एक ही है दोस्तों। ये दोनों का एक ही काम है, ये है कि ये हाउस में काम करता है MCB, और ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है MCCB, क्योंकि MCCB का छोटा भाई MCB वो छोटा भाई है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ गया होगा जैसे कि मैंने MCB में बताया कि कैसे कैसे काम करता है, उसी तरीके से सेम ये काम करेगा आपका। लेकिन यही है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जाता है मल्ली, ये आप घर पे नहीं लगा सकते। उसके बाद दोस्तों अपना आता है MPCB, इसको हम MPCB ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसका ये फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। तो ये सिर्फ दोस्तों ये आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही देखने को मिलेगा, अदरवाइज बहुत कम दिखेगा। अगर गांव वगैरह में भी दिखेगा तो आपको वहां पे दिखेगा जहां जहां बड़ी बड़ी मोटरें लगी होती है, मिल वगैरह जो बड़ी बड़ी होती है वहां पे दोस्तों ये देखने को मिलेगा, या तो आपको कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा जहां पे बड़ी मोटरें लगी होती है, उसको दोस्तों ये प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है MPCB को। इसका दोस्तों और कोई भी काम नहीं है, ये नहीं कि आपका जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि MCB कैसे काम करता है और MCCB कैसे काम करता है, तो दोस्तों उस तरीके से ये काम नहीं करता है। ये वल्ली आपको मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसको लगाया जाता है, ताकि आपका मोटर जलने से बचे, इसके वजह से ये MPCB ब्रेकर को दोस्तों लगाया जाता है। इसका और भी कोई काम है नहीं, इसलिए आपको वल्ली आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो अब आपको दोस्तों तीनों ब्रेकरों के बारे में पता चल गया होगा कि MCB कहाँ पे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, उसी तरीके से MCCB क्यों लगाया जाता है और कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, उसी तरीके से फिर
एमपीसीबी कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है दोस्तों, तो आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा दोस्तों कि तीनों ब्रेकरों में अंतर क्या है। अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको रिप्लाई के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊँ आपको देखने को मिले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।